आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। भगवान श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता। बाल्यकाल से ही उनकी लीलाएं इतनी मनभावन रही है कि हर कोई कान्हा के प्रेम में पागल ही नजर आता है। जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। जन्माष्टमी सनातन हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाता है। यह पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को धर्म, करुणा और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व को भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी की कथा और पूजा विधि के बारे में विस्तार से। जन्माष्टमी के मुहूर्त के संबंध में जानकार विद्वानों का मत है कि पूजन मुहूर्त 26 अगस्त 2024 रात 12 बजे से देर रात 12:44 तक होगा। आइए जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेष तरीके से की जाती है। पूजा विधि में सबसे पहले पूजा की तैयारी कर लें। पूजा के लिए एक साफ स्थान का चयन करें। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करने के पूर्व आटे से चौक बनाएं। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे दीपक, धूप, अगरबत्ती, फूल, फल, मिठाई, चंदन, कुमकुम आदि एकत्रित करें। पूजा स्थल को फूलों और रंगोली से सजाएं। इसके लिए पूजन सामग्री क्या होगी, इस बारे में जानकार विद्वानों का कहना है कि पूजन के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र, कलश, घी का दीपक, अगरबत्ती और कपूर, चंदन, केसर, कुमकुम, अक्षत, चावल, पीले रंग के वस्त्र, फूलों की माला और तुलसी माला, माखन और मिश्री, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल शामिल हो, मौसमी फल, मिठाई और पंचमेवा इसमें शामिल कर लीजिए। पूजन विधि के संबंध में जानकार विद्वानों का कहना है कि सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को साफ करें और वहां गंगाजल छिड़कें। पूजा स्थल पर एक कलश रखें और उसमें जल भरें। कलश के ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती व कपूर जलाकर वातावरण को सुगंधित करें। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और फूलों की माला अर्पित करें। उन्हें तुलसी माला भी पहनाएं। इसके बाद सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का पूजन करें। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराएं। भगवान को नए वस्त्र पहनाएं। भगवान को चंदन, कुमकुम और फूलों से श्रृंगार करें। भगवान को चंदन, केसर और कुमकुम का तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। भगवान को दूध, दही, घी, शहद आदि से अभिषेक करें। भगवान को माखन, मिश्री, फल, मिठाई और पंचमेवा का भोग लगाएं। भगवान का आराधना मंत्रों का जाप करते हुए करें। भगवान को भोग लगाएं, आरती उतारे, इसके बाद प्रसाद का वितरण करें। जानकार विद्वान विशेष पूजन विधि के बारे में भी बताते हैं कि जन्माष्टमी के दिन विशेष पूजन विधि का पालन करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन इस विधि से पूजा कीजिए, जिससे आपको भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा की प्राप्ति हो सकती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुट पहनाएं, यह उन्हें बहुत प्रिय है। भगवान को झूले में बैठाएं और झूले को फूलों से सजाएं। पूजा के दौरान श्री कृष्णाय नमः एवं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते रहें। जन्माष्टमी पर इन 56 भोग को लगाया जा सकता है, जिसमें भात, सूप, चटनी, करी, दही, बतक, मथरी, चोला, जलेबी, मेसू, रसगुल्ला, शाक की करी, सिखरन, शरबत, बालका, इक्षु, पगी हुई महारायता, फेनी, पूरी, खजला, घेवर, मालपुआ, छूली, परीखा, सौंफ युक्त बिलसारू, लड्डू, साग, लौंगपुरी, खुरमा, दलिया, अधौना अचार, पापड़, गाय का घी, सीरा, लस्सी, सुवत,
मोहन, सुपारी, इलायची, फल, मोत, खीर, दही, मोहन भोग, लवन, कषाय, मधुर, तिक्त, कटु, मक्खन, मलाई, रबरी, तांबूल और अमल आदि शामिल है। आइए अब जानते हैं व्रत और उपवास के संबंध में। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखें और उपवास करें। यह व्रत आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। कई लोग जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाले लोग दिन भर कुछ नहीं खाते पीते हैं या फिर फलाहार करते हैं। अब आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है। जन्माष्टमी का व्रत भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिखाने के लिए रखा जाता है। इस व्रत को रखने से भक्तों को मन की शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से जन्माष्टमी का व्रत रखता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखे। जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भक्त जन उपवास रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। व्रत रखने वाले लोग दिन भर कुछ नहीं खाते पीते हैं या फिर फलाहार करते हैं। जन्माष्टमी का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन भक्त जन भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में कई लीलाएं की, जिनसे हमें धर्म, करुणा और प्रेम का मार्ग दिखाया। जन्माष्टमी का पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करता है। जन्माष्टमी का पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों की याद दिलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग का उपदेश दिया है। उनका जीवन हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अब आपको बताते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा के संबंध में। महाभारत के अनुसार कंस नामक एक राक्षस राजा था। एक ऋषि के श्राप के कारण कंस को अपने 8वें पुत्र से मृत्यु का भय था। इस भय के कारण कंस ने देवकी और वसुदेव के सभी बच्चों को मार डालने का आदेश दिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया था। रात्रि के समय कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना रखा था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव ने उन्हें उठाकर मथुरा से गोवर्धन पर्वत पर स्थित नंदगांव ले गए और वहां नंद और यशोदा के यहां उनके बदले में एक नवजात कन्या को रख दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण बालक रूप में गोपियों के बीच पले बड़े और उन्होंने कई लीलाएं की। जन्माष्टमी की कुछ अन्य परंपराएं भी जानिए। मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी के बारे में आपको बताते हैं। मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ मंदिरों में विशेष आयोजन किए जाते हैं और भक्तजन दूर दूर से यहाँ आते हैं। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन रासलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वहीं जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें युवा मंडली रमी के घरे को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है। इस दिन भक्त जन भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में कई लीलाएं की, जिनसे हमें धर्म, करुणा और प्रेम का मार्ग दिखाया। जन्माष्टमी का पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करता है। जन्माष्टमी पूजन विधि का पालन करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें और उनके उपदेशों का पालन करें। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों,
पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।